ओके तो गाइज यूनिट वन का ये 10th वीडियो है। तो इस वीडियो में हम अभी जो भी लेक्चर 1 to लेक्चर 9 तक हमने जो भी पढ़ा है यूनिट वन का, उस पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। दो चार न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ के क्वेश्चंस हैं लिखे हुए मेरे पास नोट्स में मेरे, और कुछ के क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं। तो बुक से आप, मैं बता दूंगा फिर भी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेशनरी मास ऑफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ 0.3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हो रहा है मतलब वॉल्यूम है ये, एंड 0.105 मेगा पास्कल। पास्कल आ गया मतलब ये प्रेशर है। तो बोले तो इनिशियल स्टेट मतलब P1V1 दिया हुआ है, P1V1 दिया हुआ है, क्लियर। टू अ फाइनल स्टेट ऑफ इतना, तो V2 0.15 है दिया हुआ है, और 0.105 मेगा पास्कल P2 है, ठीक है। द प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, बोल रहा है प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस है, गुड, समझ गए। नाउ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 37.6 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इतना किलो जूल ऑफ हीट मतलब क्यू, 37.6 किलो जूल ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, गैस से, तो मतलब सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। सिस्टम को अगर हीट देते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव। सिस्टम में हीट देना मतलब हम उसे पॉजिटिव मिले, सिस्टम से हीट निकल रहा है मतलब हम उसे निगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे जो क्यू है -37.6 है, क्लियर। फिर क्या है, हाउ मच डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है कितना होगा बताइए, ठीक है। हाउ मच इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी चेंज की बात कर रहा है मतलब DU की बात कर रहा है। तो सबसे पहले DU की टर्म कहीं आया तो आप क्या करोगे, आपको याद होगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, DQ इज इक्वल टू DU अपॉन DW, ठीक है। प्रोसेस आपका कोई भी हो, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अब P1V1 दिया हुआ है, ठीक है, P2V2 भी दिया हुआ है, P2 भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 0.105 मेगा पास्कल, ये P1, ये सब टर्म दिया है, Q भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ से ये देखो, आपके पास Q आपको पता है कितना है, -37.6 किलो जूल, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, DW कहीं से पता चल जाए तो ये इजिली निकाल लो। तो DW पता करने के लिए हमें पता है कि DW इज इक्वल टू PdV। अब फ्रॉम प्रोसेस के लिए आप पूछ रहे हो, प्रोसेस 1 से 2 के लिए, तो इंटीग्रेट कर दो 1 से 2 को, ठीक है। DW इज इक्वल टू होता है PdV, इसको इंटीग्रेट कर दो प्रोसेस 1 से 2 तक, तो ये हो जाएगा 1 से 2 वर्क डन, 1 से 2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब जब इंटीग्रेट 1 से 2 कर रहे हो PdV को, तो P विल बी कॉन्स्टेंट, तो P तो बाहर आ जाएगा, बट क्या वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द वॉल्यूम। तो अपन लिख सकते हैं कि V1 से V2 तक, ठीक है। और एक तो ये तरीका हो गया, एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हो डायग्राम के हेल्प से, लिख दिया है कि आइसोबैरिक है, प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट, आइसोबैरिक, ये PV डायग्राम है, प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट, ये 1 है ये 2 है। तो इसको फाइंड करने के लिए इसको प्रोजेक्ट कर दो नॉर्मली V पे, V एक्सिस पे, तो ये जो एरिया होगा ये आपका वर्क डन होगा। इस एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, दिस P इंटू इस पॉइंट का V2, इस पॉइंट का V1, V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1, V2 और V1 की वैल्यू है पुट करो, इतना किलो जूल ऑटोमेटिक माइनस। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आपका DU आंसर आ गया, डेट्स कॉल्ड -21.85 किलो जूल, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली इसका अभी मेरे पास नहीं है, राजपूत से मैंने ये को सॉल्व किया था, एग्जाम्पल 4.1 है, ठीक है, मतलब फोर्थ यूनिट पे है शायद, ये 4.1 एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये कह रहा होगा, तो मैं बता रहा हूँ कि किसी सिस्टम पे, किसी सिस्टम है उससे हीट निकल रहा है कितना, 50 किलो जूल पर kg ऑफ हीट सिस्टम से निकल रहा है, ठीक है, या सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है कितना, 50 किलो जूल पर kg हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो हीट सिस्टम से निकल रहा है मतलब माइनस में, तो इसलिए हमने -50 किलो जूल पर kg कर दिया। क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया होगा, सिर्फ बोला होगा कि हीट विल बी रिजेक्ट फ्रॉम द सिस्टम, और लिखा होगा कि
हीट रिजेक्ट हो रहा है कब, मतलब बोले तो क्वेश्चन होगा कि वर्क डन सिस्टम पे, अगर वर्क डन हो रहा है तो क्या होता है माइनस, ठीक है, ये माइनस में है मतलब सिस्टम को वर्क दे रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन का होगा बोला है फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, उसमें हम इतना वर्क दे रहे हैं, 100 किलो जूल ऑफ केजी सिस्टम को वर्क दे रहे हैं, तो वो इतना हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है, या तो इतना हीट रिजेक्ट कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे से ऐसे आंसर बना है, फाइंड द इंटरनल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डी क्यू इज इक्वल टू डी यू डी डब्ल्यू होता है, ठीक है, होता है ची, या तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ सिंपल, एक क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, ये भी लिख सकते हो। तो यू कितना है, फाइंड करने के लिए क्या करना है, क्यू माइनस डब्ल्यू, -50 और माइनस ये, और माइनस ये +100, इससे आपका इतना किलो जूल पर केजी निकल गया, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, एक पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है, उस पर हम इतना वर्क लगा रहे हैं, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है जिसका मास है 0.3 kg। फिलहाल इस इनिशियल प्रेशर जो है 100 किलो पास्कल है, और इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस वाले टर्म कहीं भी आए, चुपचाप आप उसको थर्मोडाइनमिक में कहीं भी, थर्मोडाइनमिक में कहीं भी सेल्सियस में कोई टर्म आ रहा है तो उसको आप कैल्विन में बदल लेना है, भले लास्ट में फिर आपको कैल्विन सेल्सियस में बदलना पड़े, बट आप कैल्विन में बदल के करोगे, याद रखना ये टर्म, ठीक है। तो सो कैल्विन में बदल लिया, 313 कैल्विन हो गया। आफ्टर द कॉम्प्रेशन हुआ हुआ कि स्टेट चेंज हुआ, तो प्रेशर विल बी 1 MPa हो गया, टेम्परेचर भी 160 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 160 + 273 से किया तो कैल्विन बदल गया 433 कैल्विन, और वर्क डन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 30 किलो जूल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर सिस्टम है कोई, उस सिस्टम में अगर हम वर्क दे रहे हैं तो वर्क हमारा निगेटिव में होगा, और सिस्टम से वर्क अगर मिल रहा है तो वो वर्क पॉजिटिव में होगा। अपोजिट केस इन हीट ट्रांसफर, अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव हीट, और सिस्टम से हीट अगर निकल रहा है तो, हीट निकल रहा है तो निगेटिव क्यू, ठीक है, ये याद रखना है, ये कन्वेंशन आपको क्लियर। तो इतना वर्क डन इस पे दे रहे हैं तो -30 किलो जूल, उसमें लिखा नहीं है वो क्वेश्चन में -30 किलो जूल, बस 30 किलो जूल लिखा होगा, लिखा होगा ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे दे रहे हैं तो आपको खुद से माइनस लिख देना है, ठीक है, और दिखा होगा कि इसका जो नाइट्रोजन है उसकी स्पेसिफिक हीट सीवी का वैल्यू है 0.75 किलो जूल पर केजी कैल्विन, ठीक है। फाइंड द हाउ मच हीट विल बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कि इतना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो कैसे बताओगे हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आप देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि क्यू निकालना है, क्लियर है, और आपको एम दिया हुआ है, ठीक है, और दो डिफरेंस दिया हुआ है, P1 P2 T1 और P2 T2, ठीक है, ये डिफरेंस दिया हुआ है, वर्क भी हो रहा है, आपके पास एक वर्क दिख रहा है, एक क्यू दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है जिसमें वर्क भी हो और क्यू भी हो। तो फर्स्ट लॉ वाला ही फॉर्मूला याद आता है हम लोगों की, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, यही फॉर्मूला मेरे माइंड में याद आता है ये दो वैल्यू को देख के। तो लिख सकते हैं कि कैप क्यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन प्लस डब्ल्यू, क्योंकि वर्क डन तो हमारा नॉर्मली बोल दिया है, और हीट भी हमको फाइंड करना है, डायरेक्ट हीट फाइंड करना है, तो डेल यू डी यू, ठीक है, डी यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन, लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे यू टू माइनस यू वन क्यों किए, अब नाइट्रोजन है पहले, उसकी सीवी की वैल्यू इतनी, पहले टेम्परेचर इतना था, बाद में टेम्परेचर इतना चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंजेस तो होंगे, आप लोड लगाओगे तो क्या चेंज होगा, वर्क ट्रांसफर चेंज होगा नहीं, सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, हीट रिजेक्शन बढ़ेगा, इसलिए हम इंटरनल एनर्जी को यू टू यू वन कर दिए, क्योंकि वैल्यू पहले अलग था बाद में अलग हो गया, इस पे वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है तो कुछ इंटरनल एनर्जी भी चेंज होंगे, इसलिए यू टी माइनस यू वन रखा, ठीक है। अब यू टू माइनस यू वन को क्या, यू को क्या लिख सकते हैं, यू इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग, एम
CVDT लिखते हैं। तो U2 के लिए क्या लिख सकते हैं, MCVT2, और U1 के लिए क्या लिख सकते हैं, MCVT1। तो दोनों को अगर कॉमन ले तो MCVT2 - T1 + W। तो M आपको पता है, CV आपको पता है, T2 पता है, T1 पता है, वैल्यू पुट करो और वर्क डन आपको पता है कि -30 है तो -30। तो इससे जो Q निकला वो निकला -3 kJ, ऑटोमेटिक निकल गया। अब कह रहा है कि जब जो आपकी हीट निकला उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि सिस्टम से माइनस में आया है। तो माइनस में क्या होता है, सिस्टम से हीट रिजेक्ट होता है। तो हीट इसमें ऐड हो रहा है कि हीट रिजेक्ट हो रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है हीट ट्रांसफ़र बताओ कितना हो रहा है। तो हीट ट्रांसफ़र क्या, हीट आप दे रहे हो या कि हीट निकल रहा है, ये तो हमें पता नहीं। वो तो इस वैल्यू से हमें पता चला कि भाई हीट तो निकल रहा है सिस्टम से ये वर्क करने पर, समझे। तो हम लिख सकते हैं हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एडिशन नहीं, हीट रिजेक्शन हो रहा है बाय दिस वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉल्व करना अब बुक से क्लियर हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ठीक है। चलो।